Our baby brand, which is Kashmana hair fall conditioner, hair fall control conditioner, not hair fall conditioner. बाल नहीं गिरते इसको लगा के. Actually feels like Hershey's की chocolate बिल्कुल melt करके इसके अंदर डाली हुई है, but दिल्ली का pollution ऐसे घुस गया ना हमारे फेफड़ों में. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for monthly favorites, your favorite series, my favorite series. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अक्टूबर मंथ में ट्राई किए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं. So without any further ado, let's get started. ओके, माई फर्स्ट फेवरेट हैज़ टू बी आर बेबी ब्रांड विच इज़ कश्माना. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पर आपने बात नहीं करी, सो मेरा मन था सीधा मंथली फेवरेट्स में अनाउंस करूँ बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियसली माई फेवरेट थिंग ऑफ अक्टूबर. सो वी लॉन्च आवर ओन ब्रांड, वी एज इन मी एंड माई हस्बैंड. दिस इज़ लाइक अ कम्बाइंड वेंचर. दिस इज़ अ क्लोदिंग ब्रांड दैट वी हैव लॉन्च, सो वी विल बी सेलिंग सम रियली नाइस हैंड पिक स्टफ. दीज आर नॉट डिज़ाइन बाई अस, दीज आर नॉट मेड बाय अस, लेकिन हम अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चर से टॉप क्वालिटी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे and just deliver at your doorstep with some amazing goodies as well. मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ भी ब्रांड खोलना, मैं अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दूँ अपनी ऑडियंस को. सो जो भी लोग कश्माना से अभी शॉपिंग कर रहे हैं, उन सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गुडीज़ जा रहे हैं, मेकअप के, स्किन केयर के आइटम्स जा रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ देम एक्चुअली जो मैंने पहना है. ये मैं अभी डाल भी दूंगी, आई थिंक जब भी वीडियो जाएगी कश्माना पे ऑलरेडी जा चुका होगा. दिस इज़ द कियारा अडवानी कॉट सेट. कियारा अडवानी ने सेम ये वाला कॉट सेट पहना था, एग्जैक्टली सेम. सो ये आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है. दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. जो भी प्राइस साइज की डिटेल्स हैं आपको कश्माना पर मिल जाएगी. मैं नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल भी डाल दूंगी एंड यू कैन प्लेस ऑर्डर वेयर इंस्टाग्राम और यू कैन शॉप वेयर व्हाट्सएप एज वेल. वहां पर आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा. ऑर्डर जो आपको फाइनली प्लेस करना है वो व्हाट्सएप के थ्रू ही करना है. ऑल्सो फ्यूचर में काफी अच्छे अच्छे आने वाले हैं एंड करंटली तो दिवाली सेल भी चल रही है. सो कश्माना पर अभी बहुत ही दिवाली सेल चल रही है, वेयर अगर आप दिवाली से पहले पहले ऑर्डर प्लेस करते हो आपको टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, नॉट जस्ट वन टू. इनफैक्ट काफी बार तो ऐसा होता है रैंडम प्रोडक्ट्स जाते हैं सबके पास, तो कॉट सेट वैल्यू जितना ही मेकअप प्रोडक्ट उनके पास चला जाता है. सो एकदम पैसा वसूल हो जाता है उनके लिए, मेरी ऑडियंस भी खुश हो जाती है. दिस इज समथिंग स्पेसिफिकली फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस बिकॉज आपके लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल तो ऑब्वियसली करने ही वाली हूँ. सो डू चेक इट आउट. मैं लिंक नीचे दे दूंगी, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप का भी मैं नंबर डाल दूंगी जहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. एंड बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी कॉट सेट्स हैं, साइजेस, उनके प्राइजेस, सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा. सो डू चेक इट आउट एंड डू शॉप एंड सपोर्ट अ न्यू बेबी ब्रांड. लेट्स स्टार्ट विद स्किन केयर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यू गाइज नो आई लव स्किन केयर. सो नंबर वन प्रोडक्ट दैट आई रिसेंटली ट्राई रिसेंटली एज इन अक्टूबर के मिड में आप बोल सकते हो एंड आई लव्ड इट. ये मुझे मेरे नायका के पिंक फ्राइडे बॉक्स में रिसीव हुआ था और काफ़ी टाइम से रखा था और अब वेदर थोड़ा सा ऐसा आ गया कि मुझे हल्की सी नरिशमेंट की जरूरत होती है बिकॉज अब हल्की सी स्किन ड्राई होनी शुरू हो रही है. ऑब्वियसली वो जो ऑयलीनेस थी, ग्रीसीनेस थी, वो कम होती जाएगी एज द वेदर लाइक विंटर्स की तरफ जाएगा, स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. लेकिन अगर मैं करंट वेदर की बात करूँ, ये मॉइस्चराइजर मुझे ब्यूटिफुली सूट कर रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेटाफिल ऑप्टिमल हाइड्रेशन डेली क्रीम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बाय द वे. ये ऐसे टब फॉर्म में आती है. सेटाफिल का जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो है डैम, जो डेली एडवांस मॉइस्चराइजर आता है. लेकिन वो काफ़ी बार ना ओवर ग्रीसी लगता है. आई लव द फैक्ट ये ओवर ग्रीसी नहीं है, काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट देता है लेकिन बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होता. सो अगर आपकी भी ऑयली स्किन है और अगर हल्की सी, अब जैसे सर्दियों में आपको हल्की सी नरिशमेंट की जरूरत है, ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. सो अंदर से कुछ दिखती है इस तरह से एंड काफ़ी लाइट इसका टेक्स्चर है. मैं आपको एक बार टेक्स्चर स्वॉच भी दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट ब्लेंड्स इनटू योर स्किन रियली वेल. द बेस्ट पार्ट इज इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, मतलब मुझे कोई प्रोमिनेंट ऐसे एडेड फ्रेग्रेंस वाली फील नहीं आ रही. दो इनके पैकेजिंग पर कहीं नहीं लिखा कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है. सो इफ आई रीड द क्लेम्स, ये डिफेंड करता है अगेंस्ट 5 साइन ऑफ स्किन सेंसिटिविटी, वीकेंड स्किन बैरियर, ड्राइनेस, इरिटेशन, रफनेस एंड टाइटनेस. ओके, तो ये इन सारे फैक्टर्स पर वर्क करता है. सो दिस इज ग्रेट अगर आपकी वैसे भी एक्ने प्रोन स्किन है जो हल्की सी सेंसिटाइज हो गई है, रेड हो गई है. आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर फॉर डेली यूज. माई नेक्स्ट फेवरेट इज अ वेरी नाइस कामिंग एंड सूदिंग प्रोडक्ट. दिस इज बाय द ब्रांड बायोक्यूल. यह बायोक्यूल का सीका एंड बीसा बुलोल सेंट्रल एजाटिका कैमोमाइल द कामिंग सूदिंग टोनर. सो ये जो पूरी रेंज है ना इनकी वाली, ये पूरी कामिंग और सूदिंग वाली रेंज है. सो काफ़ी बार क्या होता है हम कुछ एक्ने बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, AHA BHA पील यूज़ कर लिया, फिर कोई ट्रीटमेंट करा लिया, या एक्ने का कोई आपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जिसकी वजह से स्किन और ज़्यादा रेड हो गई, सेंसिटिविटी हो गई, उस टाइम पर ये टोनर बहुत अमेजिंग है. मुझे रिसेंटली रेडनेस हो गई थी और मैंने अभी ट्रीटमेंट भी कराई थी, जो मैंने करवा चौथ से पहले एक क्लिनिकल फेशियल कराया था. तो उसके बाद क्या होता है आपको बहुत जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, आप कुछ भी हार्श नहीं यूज़ कर सकते, किसी के अंदर AHA BHA कुछ इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए. तो उस टाइम पे ये टोनर बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया है.
यू कैन सी इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा वाटरी है, सो ये बिल्कुल भी स्टिकी फील नहीं होता। मैं कॉटन पैड के ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स इसके डालती हूँ एंड जस्ट स्वाइप अक्रॉस माई फेस। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स विच इज़ अ सरप्राइज बिकॉज इट हैज़ सीका एंड बीसा बुलोल जो बहुत अच्छे होते हैं। ये बेसिकली ड्राइव होते हैं नेचुरल सोर्सेज से लाइक सेंट्रल एजाटिका, कैमोमाइल, प्लस इसके अंदर बोटानिकल्स भी हैं लाइक रोजमेरी, लिकोराइस, एलोवेरा, ग्रीन टी, जो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं हमारी स्किन को। इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो रिड्यूस करती है स्किन की रेडनेस को या जो भी इरिटेशन हो जाती है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो दिस इज अ रियली नाइस टोनर। आई ऑल्सो वॉन्ट अप्रिशिएट द सीरम एज वेल। सेम रेंज का ही सीरम आता है, यह है बायोक्यूल का सीका बीसा बुलोल सेंट्रल एजाटिक एंड कैमोमाइल, द कामिंग सूदिंग सीरम। जस्ट लाइक द टोनर इट कंटेन सीका एंड बीसा बुलोल विच आर अगेन सोर्स नेचुरली फ्रॉम सेंट्रल एजाटिक एंड बीसा बुलोल। दिस कंसेप्ट ऑफ नेचुरल डेरिवेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस सीरम में भी काफी सूदिंग बोटानिकल्स हैं लाइक रोजमेरी, एलोवेरा, ग्रीन टी, लिकोराइस। सो ओवरऑल ये स्किन को सूद करने में, उसको काम डाउन करने में काफी हेल्प करता है। सो अगर आपकी भी रेडनेस, सेंसिटिविटी या एक्ने प्रोन स्किन है और आप कुछ सेफ सीरम देख रहे हो अपनी स्किन के लिए, आई थिंक दिस इज द वन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर हैंड्स ऑन। आई लव द टेक्सचर एज वेल। इसका एकदम लाइक लाइट पतला टेक्सचर है तो काफ़ी जल्दी स्किन में चली जाती है। लिटरली हाइड्रेट्स योर स्किन रियली वेल। अगर ऑयली स्किन भी है ना तभी भी ये सूट करेगा। बेस्ट पार्ट इज दे आर मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो ये बहुत सेफ है आपकी स्किन के लिए, काफ़ी जेंटल भी है एंड यू कैन यूज इट ट्वाइस अ डे सिंस इनके अंदर कोई भी हार्श केमिकल एक्सफोलिएटर नहीं है। आप इनको दो बार भी यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग में भी, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पे भी। कोई भी सन सेंसिटिविटी एंड ऑल का कोई इशू नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करो तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर लेना। सो ओवरऑल दीज टू प्रोडक्ट्स आर रियली अमेजिंग, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं अपने मंथली फेवरेट्स में बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही फीचर करती हूँ, मैं हर ब्रांड हर कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं फीचर करती। सो अगर ये मेरे मंथली फेवरेट का पार्ट है आप समझ जाओगे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इनकी डिटेल्स जो भी लिंक्स होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर चेक करना। नेक्स्ट अप इज अ लिप बाम जो मैंने नहीं ऑर्डर किया, मेरे पति ने ऑर्डर किया है। सो माई हस्बैंड सॉ अ रैंडम रील ऑफ दिस लिप बाम एंड ही वॉज लाइक इसको ऑर्डर कर। उसने मेरा मिंत्रा लिया, खुद ऐड टू कार्ट किया और सीधा पे करके ऑर्डर प्लेस कर दिया। एंड मैंने रिसीव्ड इट आई वॉज लाइक ये तो कहाँ से आया, ये तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, पीआर में भी नहीं था। सो दिस इज अ लिप बाम बाय वैसलीन हर्शेस का किसेस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एक्चुअल में काफ़ी अच्छा और मेरे से ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है इस टाइम बिकॉज उसको काफ़ी पसंद आया। ही लव्स हर्शेस वाली चॉकलेट, एक्चुअली फील्स लाइक हर्शेस की चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट करके इसके अंदर डाली हुई है, बट सैडली इसको खा नहीं सकते। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया, मेरे से ज़्यादा उसने यूज़ किया है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका अपना कोई कलर इतना पे ऑफ नहीं है, लाइक कोई कलर नहीं आता, इट्स लाइक अ नाइस नरिशमेंट ऑन टू योर लिप्स। एंड अभी लिपस्टिक लगा के हल्के हल्के चैपी हो रहे हैं तो मैं ऊपर भी लगा लेती हूँ। अब तो वैसे भी विंटर्स आने वाले हैं तो लिप बाम तो चाहिए ही चाहिए। वैसलीन के टिन वाले लिप बाम तो ओजी हैं, ये पता नहीं कब से चल रहा है, बट ये वेरिएंट काफ़ी अच्छा है। ये मुझे मिंत्रा पे आई थिंक 50% ऑफ समथिंग में मिला था, मैं इसका मिंत्रा का लिंक नीचे डाल दूंगी, काफ़ी अच्छी डील पे अवेलेबल था। नेक्स्ट अप इज समथिंग जो मुझे पता था काफ़ी लड़कियाँ यूज़ करती हैं, हैक्स भी मैंने देखा था, बट मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया। बट जब मैंने अपनी मेकअप क्लासेस में इसको यूज़ किया आई थॉट इट इज़ एक्चुअली वेरी इफेक्टिव यार। मैं फालतू जो मेकअप वाले क्लिनजिंग ऑयल्स आते हैं वो इतने महंगे महंगे उनमें पैसे लगा रही थी, ये इक्वलेंट बहुत अच्छा वर्क करता है और ये सस्ता भी है। सो रिसेंटली मेरा जो मेकअप क्लेंजिंग ऑयल था ना वो खत्म हो गया था, आई थिंक आई वॉज यूजिंग द लॉक्सिटैन वन, और लॉक्सिटैन का वो इतना सा मेकअप रिमूवर ऑयल आई थिंक 400 या 500 का आता है। सो दिस टाइम वॉज लाइक यार मेरे को फालतू में पैसे और एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करने, मुझे ये क्लेंजिंग ऑयल तो चाहिए ही था बिकॉज जब वेडिंग पार्टी या फिर शादी का मेकअप करो ना वो काफ़ी हैवी होता है। क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं, फाउंडेशन होता है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है, तो वो खाली आपके माइसेलर वाटर से तो जाएगा नहीं, यू नीड ऑयल क्लेंजिंग फॉर दैट। सो मैं अपने नियर बाय केमिस्ट से ये लेके आ गई, तो काफ़ी सस्ता है, दिस इज लाइक जस्ट फॉर रुपीज 65 है। जॉनसन बेबी का ऑयल जो बेसिकली बॉडी पे लगाते हैं, बेबी ऑयल विद विटामिन ई हेल्प्स इन स्किन नरिशमेंट। इस पे लिखा हुआ है नो एडेड पैराबेन, डाइज एंड थैलेस। सो आई थिंक जब से वो जॉनसन पे केस हुआ था शायद इन्होंने वो हटा दिया है, आई एम नॉट रियली श्योर। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट से बताना कि अभी भी ये सेफ है या फिर नहीं है, बट दिस वर्क्स रियली वेल। ये छोटा सा तो मैंने अपने लिए रख लिया, पहले मैं अपनी मेकअप क्लासेस के लिए रखती थी बिकॉज वहां पर वो हमें यही रिकमेंड करते हैं कि जब किसी का मॉडल का मेकअप रिमूव करना हो तो यही प्रेफर करो बिकॉज ये जेंटल होता है। बट नाउ अब ये मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, आई एम यूजिंग इट सिंस हाफ ऑफ अक्टूबर, आई थिंक 5-6 बार तो मैंने यूज़ कर लिया, ऊपर से देख सकते हो काफ़ी यूज़ हो चुका है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा लिया, अच्छे से मेल्ट किया, जस्ट मेल्ट ऑफ द मेकअप, फिर आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो या फिर कोई कॉटन पैड ले लो, अच्छे से उसको हटा लो, उसके बाद मैं माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल क्लेंजिंग। सबसे पहले ऑयल से अच्छे से मेल्ट हो जाता है मेकअप, हटा दिया, उसके बाद दोबारा माइसेलर वाटर यूज़ किया एंड देन फेस वॉश। सो इस प्रोसेस से बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। एंड फाइनली जब फेस वॉश करने के बाद मैं एक टोनर भी यूज़ करती हूँ सो दैट जो कुछ भी बचा कुचा हो, लाइक काफ़ी बार होता है कुछ ना कुछ रिमेनिंग होता है स्किन में, वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव मेकअप। जो भी लोग कहते हैं मेकअप से एक्ने
एंड ऑन हो जाते हैं, नहीं होते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिमूव इट. सिमिलर इज द केस विद सनस्क्रीन एज वेल. जब हम सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं जो काफ़ी प्राइमर लाइक फिनिश देती है ना, उसको भी आपको ऐसे ही हटाना होता है, अदरवाइज वो अच्छे से नहीं रिमूव होगी और फिर आपको एक्ने दे सकती है. सो या ओवरऑल दिस इज रियली नाइस. अगर आप कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ मेकअप क्लेंजिंग ऑयल देख रहे हो, दिस इज बेस्ट थिंग. नेक्स्ट अप इज अ फाउंडेशन फ्रॉम डर्माको. ये मैंने अपनी एक रीसेंट ब्लॉग में फीचर किया था, मैंने अभी एक ट्रैवल ब्लॉग डाला था, उसमें भी मैंने डर्माको के साथ पेड कोलैबोरेशन में इंटीग्रेशन करी थी. दिस इज नॉट पेड, लेकिन मैं फिर भी इसको फीचर करी बिकॉज आई पर्सनली लव्ड इट. दिस इज अ रियली नाइस फाउंडेशन. अगर आप कुछ स्किन के इन्फ्यूज मेकअप देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. मुझे इनकी बीबी क्रीम से बेटर लगा. इनकी एक बीबी क्रीम्स भी आती हैं ट्यूब वाली, लेकिन उससे बेटर मुझे इसकी कवरेज लगी बिकॉज अच्छे से कवरेज तो दे ही रहा है बट इट फील्स गुड ऑन स्किन. सो मैं जो इसका शेड यूज़ कर रही हूँ वो है पीच 05. मैंने वो वाली वीडियो में भी दिखाया था. अगर आपने मेरा बाली का व्लॉग नहीं देखा, मैं यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो. मैंने इनके सारे शेड वहाँ पे स्वॉच करके भी दिखाए थे विद नेम्स, तो आप वहाँ जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं यहाँ पे भी इंसर्ट कर दूंगी. सो इसके अंदर SPF 40 है विद PA++++ 2% इसमें नायसिनामाइड मिलता है. दिस इज हाई कवरेज फाउंडेशन फॉर इवन टोन एंड हाइड्रेटेड स्किन एंड बहुत अच्छी कवरेज देता है. इट कम्स विद अ पंप एज वेल. सो दिस इज पीच. इसका एक पिंक अंडरटोन आता है जो मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से सूट करता है. सी कितना ब्यूटीफुली ये ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी पैची केकी नहीं लगता. बेस्ट पार्ट है इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है बिकॉज मैक्सिमम जितने भी मार्केट में फाउंडेशन आते हैं ना, उनमें भर भर के वो खुशबू होती है. कुछ कुछ ब्रांड्स में तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेग्रेंस डली होती है जो काफ़ी बार सेंसिटिविटी इशू देती है. सो उस सेंस में भी ये काफ़ी अच्छा है. नाउ आई हैव जस्ट वन प्रोडक्ट फॉर हेयर केयर दिस मंथ. ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. वैसे तो इसका हेयर मास्क मैं फीचर कर चुकी हूँ. इसका ही मैंने आई थिंक ब्रांड इंटीग्रेशन किया था पेड बहुत पहले, बट ऑर्गेनिकली मैंने इस प्रोडक्ट को कभी फीचर नहीं किया. आज मैं करने वाली हूँ. दिस इज द बी ब्लंड सैलून लाइक हेयर हेयरफॉल कंडीशनर, हेयरफॉल कंट्रोल कंडीशनर, नॉट हेयरफॉल कंडीशनर. बाल नहीं गिरते इसको लगा के. हेयरफॉल कंट्रोल कंडीशनर. ये स्ट्रेंथन करता है, रिड्यूस करता है हेयरफॉल को. इट हैज पी प्रोटीन एंड कैफीन. दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. सो मैं जो यूज़ कर रही हूँ इसका, जो हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ ब्लू वाला, आई थिंक मैंने लास्ट से लास्ट मंथ वाले फेवरेट्स में फीचर किया था. वो आता है इनका शाइन या केराटिन वाला समथिंग. नाउ नंबर वन थिंग आई वोंट से इससे हेयरफॉल कम हो जाता है बिकॉज कंडीशनर स्कैल्प पे जाता ही नहीं है. जो चीज़ स्कैल्प पे नहीं जा रही वो हेयरफॉल कंट्रोल कर ही नहीं सकती. कंडीशनर खाली हेयर लेंथ पर लगता है. बट दिस इज वेरी वेरी नाइस. लाइक हेयर मास्क तो ऑब्वियसली वंस इन 15 डेज ठीक है, ज़्यादा रेगुलर भी हेयर मास्क नहीं यूज़ करना चाहिए. बट जब आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करते हो ट्वाइस अ वीक थ्राइस अ वीक, तब कंडीशनर आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो बिकॉज एक अच्छी नरिशमेंट मिलती है आपके बालों को. अगर आप खाली शैम्पू करके छोड़ रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो. अच्छी सी नरिशमेंट दो अपने बालों को. फेस वॉश लगाने के बाद क्रीम लगानी पड़ती है ना, इन द सिमिलर वे यू हैव टू यूज़ अ कंडीशनर एज वेल आफ्टर डूइंग शैम्पू. सो मैं आजकल यही वाला यूज़ कर रही हूँ. द ओनली कॉन इज द पैकेजिंग. मतलब वो सीरीज आती है ना गुड प्रोडक्ट्स विद बैड पैकेजिंग, इसके साथ बिल्कुल वही वाला सीन है. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन निकलता ही नहीं है. मतलब वॉशरूम में लिटरली पूरा हाथ ऐसे प्रेस करके जान लगानी पड़ती है तब जाके इसमें से प्रोडक्ट आता है. सो ये थिक है, इनको एक इसको एक टब फॉर्म में देना चाहिए था बिकॉज इसकी एक हल्की सी हेयर मास्क वाली कंसिस्टेंसी है. इट्स नॉट लाइक द कंडीशनर सॉर्ट ऑफ थिंग. बट चलो कोई नहीं, इट वर्क्स रियली वेल. बहुत अच्छे से हेयर को लाइक कंडीशनिंग देता है, एक शाइन अच्छी आती है बालों में, स्मूथ भी लगते हैं, नरिश भी फील होते हैं. ओवरऑल दिस इज रियली नाइस. हेयरफॉल के अलावा ये डेफिनेटली बाकी फैक्टर्स पर तो वर्क करता है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. अब आ जाते हैं मेकअप कैटेगरी पर. आई हैव लॉट ऑफ मेकअप फेवरेट्स फ्रॉम मेबलिन बिकॉज लास्ट मंथ मैंने मेबलिन के साथ काफ़ी काम किया. आई थिंक आई डिड 2-3 पेड कोलैबोरेशन शॉट्स. तो मेरे पास काफ़ी सारे फेवरेट्स हैं उसमें से ही बिकॉज जब ऐसी बड़ी ब्रांड का शूट करो ना, लिटरली आपको इतने मल्टीपल टेक्स लगते हैं, बार बार रीशूट भी करना पड़ता है बिकॉज दे रियली वॉन्ट गुड क्वालिटी वीडियो. वो एवरेज वीडियो से खुश नहीं होते. सो मैंने प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे से टेस्ट कर लिया था शूट के टाइम ही. सबसे पहला है ये मेबलिन का आई लाइनर. दिस इज द मेबलिन न्यू यॉर्क द कोलॉसल बोल्ड आई लाइनर. सो इनका कोलॉसल वाला काजल तो बहुत साल से चल रहा है, मतलब मेरे कॉलेज टाइम से चल रहा है. उससे भी पहले शायद लॉन्च हुआ था येलो वाला जो काजल आता है, सेम कोलॉसल रेंज का. सो उन्होंने सेम रेंज में आई लाइनर भी निकाला है. ये आई थिंक अभी न्यू नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए, लेकिन मैंने पर्सनली अभी तक यूज़ नहीं किया था. सो दिस इज हाउ द टिप लुक्स लाइक. इट इज फ्लेक्सिबल, मतलब फेल्टिव है ब्रश है. इट्स सॉर्ट ऑफ अ फेल्ट लेकिन नहीं, एक ब्रश वाली फील आती है. बट इट इज़ वेरी वेरी थिन. कैन यू सी, बहुत अच्छे से इसमें एक शार्प विंग बनता है. आप मेरी वो शॉर्ट्स देख सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी या फिर आप मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाके देख सकते हो. मैंने एक बोल्ड आई लुक क्रिएट करी थी यूजिंग द होल कोलॉसल रेंज. नेक्स्ट आर दीज मेबलिन कंसीलर्स. अगेन मैंने करवा चौथ का कैंपेन किया था मेबलिन का, उसमें मैंने ये एज डिवाइन कंसीलर्स प्रमोट करे हैं. सो इसमें तीन शेड्स है जो मुझे ब्रांड ने भेजे थे, ऑब्वियसली मैंने खुद ही पिक करे थे. बट उसमें से ये जो दो शेड्स हैं स्पेसिफिकली मुझे बहुत पसंद आए एंड आई एम यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली.
सो इसमें जो एक शेड है ना ये वाला कैरमल, ये वैसे मैंने लिया था कॉन्टोरिंग के लिए और आप वो शॉर्ट्स में भी देख सकते हो मैं उसमें कॉन्टोरिंग ही कर रही हूँ बिकॉज इसमें एक वॉर्म टोन आती है. सो आई वुडन्ट से एग्जैक्टली कॉन्टोरिंग लेकिन एक थोड़ा सा एक सन के लुक के लिए जो हम कहते हैं ना ब्रॉन्जिंग करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा शेड है. बट नाउ आई यूज इट एज अ कलर करेक्टर बिकॉज ये कलर करेक्ट करने के लिए परफेक्ट शेड है. मैं आपको शेड का आइडिया दे देती हूँ. मेरा जो फिटमी का शेड है वो है 128 या फिर 220, दोनों ही मुझे परफेक्टली सूट होते हैं. हल्का सा फर्क है, ज़्यादा कोई इतना फर्क नहीं है. तो उसके हिसाब से जो कैरमल ये वाला शेड है ना ये कलर करेक्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है. इसमें बहुत एक अच्छा ऑरेंज टोन आता है. लाइक आई थिंक आपको अभी भी डिफरेंस दिख रहा हो, कैन यू सी, एक हल्का सा एक ऑरेंज अंडरटोन आती है. सो इससे बहुत अच्छी कलर करेक्टिंग होती है. जो भी डार्कनेस एंड ऑल होती है वो बहुत अच्छे से कलर करेक्ट हो जाती है. आज तो मैंने करी नहीं है, मैंने खाली लाइट सा एक बीबी क्रीम लगाई है, मैंने ज़्यादा फाउंडेशन भी लगाया. ऑल माई एक्नेज एंड ऑल आर विजिबल बिकॉज ऐसी वीडियो जब मैं बनाती हूँ मैं ज़्यादा ओवर वाला मेकअप नहीं करती. आई लाइक टू बी नेचुरल जस्ट लाइक दैट. और फिर मुझे कॉमेंट्स भी आते हैं आप बिना मेकअप के अच्छे लगते हो. तो चलो ठीक है यार, ज़्यादा मेकअप नहीं करते, खाली मैंने मैचिंग वाला लाइनर लगा लिया ये वाले कॉर्ड सेट से. आई हैव देयर हाईलाइटिंग शेड एज वेल, दिस इज सैंड बाय द वे. इससे बहुत अच्छी हाईलाइटिंग हो जाती है, कैन यू सी, काफ़ी अच्छा लाइट कंसीलर है ये. आप वाली शॉर्ट्स देख सकते हो, मैंने उसके अंदर दिखाया भी था, मैंने इससे कॉन्टोरिंग करी थी, इससे हाईलाइटिंग करी थी. दीज आर वेरी नाइस. नायका की सेल पे आपको ये एज डिवाइन कंसीलर्स बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं. दीज आर फुल कवरेज, परफेक्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल बिकॉज मैंने अपने एक्ने को भी इससे कंसील करके देखा हुआ है. बहुत अच्छे से कंसील हो जाते हैं, कवरेज बहुत अच्छी मिलती है. एंड ड्रग स्टोर कैटेगरी में अगर फुल कवरेज कंसीलर की बात की जाए दीज कंसीलर्स आर लाइक टॉप वन. नेक्स्ट अप इज अ ग्रूमिंग टूल जो मुझे काफ़ी टाइम से फीचर करना था लेकिन मैं हर बार भूल जाती थी. अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मुझे रैंडमली एक ब्लॉगर का वो स्टोरी दिखी जिसमें वो विंस्टन के प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी. एंड देन आई वाज लाइक रुको, मेरे पास भी एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत टाइम से इसको फीचर भी करना था. सो ये है विंस्टन का कैलस रिमूवर फॉर स्मूथ एंड फ्लॉलेस फीट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका नाम है पेडीक्योर एट होम. सो ये बेसिकली क्या है, ये कैलस रिमूवर लाइक जो डेड स्किन होती है ना पैरों पर उसको रिमूव करता है. एंड कितनी ब्यूटिफुल ये रिमूव करता है, आई कांट इवन टेल यू. इससे पहले मैं वो वाले यूज़ करती थी, मैनुअल वाले जो 4-in-1 नहीं आते, हम वॉशरूम में लगा के रखते हैं, उस पर ऐसे स्क्रब करते रहते हैं. आई थिंक प्यूमिस स्टोन समथिंग उसको कुछ बोलते हैं, उसको रब करती थी. एंड काफ़ी बार डेड स्किन नहीं जाती, स्पेसिफिकली जो हील एरिया पे होती है काफ़ी मोटी मोटी डेड स्किन होती है वो नहीं जाती, बट ये इतनी ब्यूटिफुली रिमूव करता है. आई रिमेंबर जब ये आया था ना, अमन ने भी देखा नहीं, वाज लाइक आई हैव टू ट्राई इट. सबसे पहले उसी ने यूज़ किया था और आजकल भी वही ज़्यादा इसको यूज़ करता है, मेरे से ज़्यादा वो यूज़ करता है. ही लव यूजिंग इट बिकॉज बहुत ईजिली इससे जितनी भी डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाती है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बॉडी है इसकी, लाइक इट्स क्वाइट हैवी एंड गुड क्वालिटी. सो यहाँ पे पावर बटन है, वंस यू स्विच इट ऑन ये घूमने लग जाता है और इसमें लेवल मिलते हैं आपको, ये 1 और ये 2, ये और फास्ट हो जाता है. एंड यहाँ पर आपको ये लाइट भी मिल रही है. एंड अभी एक्सीडेंट होते होते बचता, मेरा पूरा नेल फाइल हो जाता, बट या मैंने अपने एक्सटेंशन भी इससे हल्के हल्के फाइल करने की कोशिश करी थी, बट दैट वाज अ रॉन्ग थिंग. ऐसे नहीं करना चाहिए, इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ नहीं था तो मैंने फिर हार मान के वैसे ही निकलवा लिए थे. बट फॉर डेड स्किन दिस इज रियली नाइस. इसकी जो लाइट भी निकलती है ना उससे आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया भी हो जाता है. यहाँ पे दिखती आपको जितनी डेड स्किन निकल रही होती है. मेरे पास अगर वीडियो क्लिप होगी मैं यहीं कहीं इंसर्ट कर दूंगी, मैंने तो उसको बहुत बार यूज़ कर लिया है. सो इसके साथ ये चार्जर भी आता है, ये वायर है चार्जिंग की जिसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो. एंड देन यू गेट एन एक्स्ट्रा रीफिल एज वेल. ये वाली जो आगे लगाने का है ना, ये बिल्कुल वो प्यूमिक स्टोन की तरह ही है बाय द वे, ये उसी की एक और एक्स्ट्रा रीफिल है. तो जब ये पूरा घिस जाएगा आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो विंस्टन पे भी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है. हाइप स्टोर पे तो 40-50% ऑफ पे फ्लैट रेट पे आपको मिल रहा है, तो आप भी ले सकते हो. मैं अपने हाइप स्टोर का लिंक नीचे दे दूंगी, यू कैन क्लिक देयर एंड शॉप इजिली. वेरी वेरी नाइस. आई थिंक दिस इज समथिंग यू हैव टू गेट फॉर बेसिक ग्रूमिंग बिकॉज आप पार्लर्स इतना नहीं जा सकते, पेडिक्योर कराने आप बार बार नहीं जाओगे. जस्ट टेक अ नाइस वार्म वाटर बाथ. जो आप गर्म पानी से नहाते हो ना आपकी जो स्किन होती है और हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, तो डेड स्किन निकलना इजी होता है. जस्ट ड्राई योर फीट रियली वेल. इसको वेट स्किन पर मत यूज़ करना, ये वो बाथरूम वाला प्यूमिक स्टोन नहीं है, ये मशीन है. तो प्लीज़ इसको ड्राई फुट पर ही यूज़ करना, अच्छे से पैरों को सुखा के, एंड देन यूज इट टू रिमूव द डेड स्किन. इट वर्क्स रियली रियली वेल. इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक ऑफ द मंथ एज वेल. सो फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऑफकोर्स आई हैव टू फीचर समथिंग जो एकदम फेस्टिवल्स के हिसाब से परफेक्ट होगा. सो मेरे पास दो शेड हैं. सबसे पहला है ये लव अर्थ का लिक्विड मूस. ये इनकी फुल साइज वाली लिपस्टिक है. इनकी छोटी वाली भी आती है जो पूरा पैक ऑफ 10 आता है. मैं काफ़ी बार प्रमोट कर चुकी हूँ मेरे हाइप स्टोर की स्टोरीज पर. आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते आपको नहीं पता होगा, बट ये उनका फुल साइज वाला प्रोडक्ट है. द नेम इज आयरिश कॉफी. सो ये वाली जो रेंज है ना, इसका मेरा
मेरा पहले वाला फेवरेट शेड था एक्सप्रेसो मार्टिनी, वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे वाले घर में रखा है। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट न्यूड कलर, बट ये उसी रेंज का एक डार्कर कलर है, इसका नाम है आयरिश कॉफी एंड सच अ ब्यूटीफुल कलर। मैंने जब इसको अभी रिसेंटली लगाया था ना, फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था मैंने, तभी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई थी और उसमें आप रिएक्शन मेरा देख सकते हो, बड़ा प्यारा कलर है। आई थिंक अभी फेस्टिव सीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट शेड है। इट्स नॉट दैट चटक वाला रेड, इट्स नॉट दैट मरून, इसका मतलब एकदम परफेक्ट कलर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे हाई स्टोर पे बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ले सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। सेकंड फेवरेट इज दिस विनाइल इंक लिपस्टिक, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। अगेन रिसेंटली जब शॉर्ट्स मैंने बनाई थी मैंने उसी में फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, आई लव्ड इट। सो ये मेबलिन की सुपर स्टे विनाइल इंक, सो मेबलिन का सुपर स्टे आपको पता ही होगा, जो लिपस्टिक आती है जो हटती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैट है, बहुत ज़्यादा ऐसे लिप्स को ड्राई कर देती है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो ये उसी का ही विनाइल इंक वर्जन इन्होंने एक रेंज निकाली है जो ग्लॉसी है। अभी तो काफ़ी देर हो गई मुझे लगाए हुए, 6 घंटे हो चुके हैं, एंड यू कैन सी शेड अभी भी इंटैक्ट है, मैं लिप्स पे ऐसा नहीं है हटा नहीं है कहीं से भी, बट वो एक ग्लॉसीनेस चली गई है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेक इट वेरी वेल। आपको आवाज़ आ रही है माइक में? सो इसमें ऐसी लिक्विड लिक्विड वाली आवाज़ आती है। इसको अच्छे से शेक करने के बाद यू हैव टू यूज़ इट। सो ये ग्लॉसी है लेकिन ये इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, फेड नहीं होती। हल्का हल्का एक स्टिकीनेस आती है, जो लिप ग्लॉस वाली स्टिकीनेस आती है ना वो इसमें आती है, बट द बेस्ट पार्ट इज मैट नहीं है, वो लिप्स फटते नहीं है, क्रैक नहीं होते, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए कुछ ग्लॉसी लिप्स के लिए देख रहे हो, दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट आई हैव समथिंग इन वुमेन हाइजीन कैटेगरी। काफ़ी टाइम से मैंने अच्छे सैनिटरी पैड्स नहीं फीचर करे थे, सो रिसेंटली मैंने जब ये ट्राई किया वॉज लाइक आई हैव टू फीचर इट, बिकॉज बहुत टाइम हो गया कुछ अच्छा रिकमेंड नहीं किया इन सैनिटरी पैड कैटेगरी। सो ये है प्लश के 30 बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल पैड्स। सो इसके अंदर 16 लार्ज पैड्स आते हैं, 14 एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं, एंड 4 इसमें पैंटी लाइनर आते हैं। पूरा ऐसे सेट किट आता है बेसिकली, एंड इसके अंदर आपको ऐसे मिल जाएंगे बॉक्सेस की तरह। एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे कलर कोडेड हैं, सो आप इजीली कोई भी निकाल सकते हो। लाइक द पिंक वन आर द लार्ज वंस एंड द ब्लू वन आर एक्स्ट्रा लार्ज वंस एंड दीज आर सुपर थिन। प्लस इसके अलावा इसके अंदर ऐसे वाले पैंटी लाइनर्स भी आते हैं। सो ये पूरा बॉक्स आप ले सकते हो, आराम से आपके 2 महीने इसमें निकल जाते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे पैड्स हैं। एंड दिस इज रियली गुड, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा, कोई भी तरह की रेडनेस नहीं हुई, रैशेज नहीं पड़े, डिस्पोजेबल पाउच में आते हैं। सो आप इसको नॉर्मली जब खोलोगे, आपने अपना यूज़ कर लिया पैड, एंड जो आपका पुराने वाला होगा आप वापस इसके अंदर डाल के, इसमें एक डबल टेप आती है उसको रिमूव किया, इसको सील बैक किया एंड जस्ट थ्रो इट लाइक दिस। ये बायोडिग्रेडेबल है, सो काइंड ऑफ सेफ एज वेल। एंड बिफोर यू से कि प्लीज स्टॉप यूजिंग पैड्स, टैम्पॉन्स यूज़ करो, देखो मैं नहीं यूज़ कर सकती, मुझे टैम्पॉन को देखते ही फियर आता है। सो अभी मैं उस मेंटल स्टेज में नहीं हूँ कि मैं टैम्पॉन यूज़ करूँ, बट फॉर मी पैड्स आर द बेस्ट एंड दीज आर रियली नाइस। अगर आप अल्ट्रा थिन में अच्छी क्वालिटी के पैड्स देख रहे हो जो लीक नहीं होते, कोई भी तरह के लाइक स्टेन्स एंड ऑल नहीं देते, दीज आर वेरी गुड, एंड का स्टिकिंग भी बहुत अच्छी है। दैट इज इट फॉर माई अक्टूबर फेवरेट। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, अच्छे से सेफ दिवाली बनाओ, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बाहर, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी बिल्कुल पटाखे मत फोड़ो, थोड़ा बहुत शगुन के लिए आप फुलझड़ी एंड ऑल चला सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम में प्लीज़ पटाखे मत फोड़ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, पॉल्यूशन एकदम पीक पर है। सो प्लीज़ डॉग्स का ध्यान रखो, एनिमल्स का ध्यान रखो, अपने घर में बड़ों का ध्यान रखो, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा भाई आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, सो ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट मत करो बढ़ाने में। हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली, रंगोली बनाओ, दिए जलाओ, पार्टीज़ करो, मैच देखो बैठ के, बट पटाखे थोड़े से कम फोड़ो। एंड या इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जो भी चीज़ें अच्छी डील पर होंगी नायका पे अमेजोन के, मैं वही स्पेसिफिकली लिंक्स डालूंगी। सो जस्ट क्लिक एंड शॉप एंड डू सपोर्ट अ बेबी ब्रांड। आई लव हाउ दिस लुक्स, अब तो मैं इसको पहन के जाने वाली हूँ, मुझे आजकल ऐसे ढीले ढाले कपड़े इतने अच्छे लगते हैं ना, एंड आई लव द स्लीव्स, इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी है, इट हैज़ अ वेरी नाइस बेल स्लीव्स ना, तो काफ़ी प्रिटी लगता है, एकदम एग्जैक्ट कियारा आडवाणी लुक आ रही है, जबकि मेरी शक्ल कियारा वाली नहीं है, बट चलो कोई नहीं। डू शॉप अ बेबी ब्रांड, फॉलो कश्माना फैशन, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, फॉलो करो, शॉप करो, सपोर्ट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दिवाली से पहले पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, बिकॉज फिर ये डील दोबारा नहीं आने वाली। अगली बार जब आप लोगे आपको छोटा मोटा फ्री भी मिलेगा, दिवाली से पहले दिवाली बोनस वाले गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, सो अपना ऑर्डर पहले ही प्लेस कर दो। अभी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर में आएगा तो और अच्छा होगा, बट अभी आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ें वो मैं खुद मैनेज कर रही हूँ, की भी डिटेल्स जो भी प्राइसिंग साइजिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कश्माना के इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी, सो गो देयर एंड फॉलो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।